तो फ्रेंड लोग हम मुंशियारी से कल्याण टॉप की तरफ चलते हुए आपको देखा देखा लग रहा होगा अगर आप आसपास रहने वाले हैं तो मौसम भी काफी लकी है जो आज धूप हो रही है इतनी ज्यादा और हमारे साथ है सैम अंकिल। सैम अंकिल ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। 180 की स्पीड से जा रहे और आगे है संकरा रास्ता मोड़, उसमें देखते हैं कितनी स्मूथली निकाल देंगे। यहाँ से पंचायत चोरी का व्यू काफी अच्छा दिखता है। देखिए आपको भी आगे का ब्लॉग दिखाते रहेंगे, खुले टॉप में चढ़ाई दिखाएंगे अपनी। मुझे तो कुछ नहीं है, इनका बस उनको इनका फेंकते हैं, अब उन थकता नहीं है। ये लोग ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं, रूल्स के खिलाफ है कोई बात नहीं, रूल से चलते नहीं ज्यादा कहीं। रूल्स तोड़ने के लिए बने होते हैं, रूल्स तोड़ने के लिए बने हैं। इसलिए आपको अभी दिखाएंगे थोड़ा आगे जाके। तब तक के लिए नमस्ते। तब पूरा यहीं रहते थे, इनका दूसरा घर नहीं होता पार्क है। कौन सा पार्क है? लिच्चन गार्डन। लिच्चन पापड़ सुना होगा उसी का भाई, लिच्चन गार्डन। यहाँ पे आपको डायनासोर मिल जाएगा, गिली सूट मिल जाएगा और झूले मिल जाएंगे, ट्रेनिंग कर सकते हैं आर्मी। काफी अच्छा अच्छा घूमने का है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मजा आता है, सैम को टेंट लगा के अच्छा प्लेस है, ठंडा एरिया है, ठंडा 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 ठंडा। इको पार्क घर से ऊपर को था क्या यहाँ को? इको पार्क है इसी से ज्यादा कल्याण मंदिर आप वो पार्क है ना, पार्क है ना, अलग अलग पूरा ये अटैच है कोविड के चक्कर से। परसों तो अच्छा आप लोग पहले गए थे कोविड से? लगा लगा बाइक लगा ना, चलो उतरो। खलिया द्वार यहाँ से ऊपर जाते अपनी ट्रैकिंग शुरू। तो दोस्तों जो खलिया टॉप है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। खलिया टॉप पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी के पास स्थित एक घास से घिरा हुआ मैदान है जो कुमाऊँ की रहस्यमय भूमि का एक अद्भुत प्रेरणादायक दृश्य पेश करता है। खलिया टॉप की ऊँचाई समुद्र तट से लगभग 3,500 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ से आप राजसी, पंचाचोली, राजम्बा, हाड्रीओल, अरे कहना क्या चाहते हो, और नंदा देवी, नंदा कोट चोटियों के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। खलिया टॉप लोकप्रिय ट्रैक में से एक है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं। इतनी थोड़ी सी चढ़ाई में आधे लोग तो ऊपर पहुंच गए और आधे हम नीचे ही हैं, थोड़े थक चुके हैं, देख सकते हैं आप जैसे कि इस वीडियो में, और आधे ऊपर पहुँच चुके हैं। खलिया टॉप पे जाते हैं रास्ते में, चलते चलते गए हम थक, तो थोड़ी थकान मिटाने के लिए हमने पी चाय और थोड़ी कोल्ड ड्रिंक। तो आपको आगे का सफर दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको खलिया टॉप के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। खलिया की यात्रा करते हुए आपको पाइन, देवदार, ओक्स, स्पूस और साइप्रस के जंगलों के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बुरास के लाल गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे जो पूरे रास्ते भर में चार चांद लगा देते हैं। यह जगह विभिन्न पक्षी, पशु और पक्षियों का भी घर है। यहाँ आपको कई जंगली जानवर देखने को मिलेंगे जैसे हिरन, काकर, बंदर, लंगूर।
दिखा दी। खलिया टॉप काफ़ी शांत एवं ट्रैकर्स की पसंदीदा जगह है, जैसे आप देख सकते हैं। परंतु आपको बुरास के फूल इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जिस सीज़न में गए थे उस सीज़न में वहाँ बुरास के फूल नहीं होते। अरे सब पीछे को देखो एक एक बार, बुला रही है हमें। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। हमें नहीं तुम्हें, हम तो आ गए ना। चुप, एक शब्द नहीं बोलोगे। देख बेटा किस्मत। और देखो दीपू चोर भागते हुए सबसे आगे। ये हम पहुंच चुके हैं KRC खलिया टॉप का, जो यहाँ बेस कैंप है। तो वॉक टेंट लगाया जाता है, वो जो चलो चलो दोनों चलो। वेल डन वेल डन वेल डन। मंगल मंगल, ये हमारे फॉरेस्ट रेंजर रेंजर, और ये हमारे एवेंजर, ये हमारे एवेंजर थोड़ी 12 बज के खाने के लिए बैठे थोड़ी देर। जरा देखो हो रहा ही कोहरा, बाहर बहुत कोहरा हो रहा है और अंदर बहुत ठंडा है। तो अभी बाहर जाके आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, तब तक के लिए बने रहें। फर्स्ट करके यहाँ स्की भी होती है, स्की देखिए। तो चलते हैं आगे को, निकल गए यहाँ से हम पतली गली से। देखिए नीचे कोहरा जरी या बुला हम चल पड़े हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय खलिया टॉप के मार्च जून और मध्य सितंबर अक्टूबर महीने खलिया टॉप ट्रैक जाने के लिए बिल्कुल सही समय रहेगा। लेकिन यदि आप बर्फ़ के लिए जाना चाहते हैं और स्की करने के लिए जाना चाहते हैं तो सर्दियों का समय सबसे अच्छा रहेगा। यदि आप बुरास के फूलों को देखना चाहते हैं तो वसंत मतलब फरवरी मार्च का सबसे अच्छा रहेगा समय। हमारा यहाँ पे स्पाइडरमैन उतरते हुए, स्पाइडर मंकी। अगर आपने खलिया टॉप की ट्रैकिंग करी और इस पत्थर के साथ फ़ोटो खिंचाई नहीं या इसमें चढ़ाई नहीं की तो क्या मतलब बनता आने का। तो दोस्तों जो ये खलिया टॉप है ये मुंशहर में पड़ता है। मुंशहर एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल है। यह उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ का सीमा क्षेत्र में है, जो एक तरफ तिब्बत सीमा और दूसरी तरफ नेपाल सीमा से लगा हुआ है। मुंशहर चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों मुंशहरी के सामने एक विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का विश्व प्रसिद्ध पंचाचोली पर्वत है, जिसे कीवन दंतियों के अनुसार पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रतीक माना जाता है। ये वो वहाँ हमारा कैंप शायद दिखाई दे यहाँ पर। और बाई तरफ नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत, दाई तरफ दानादार जो एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है, और पीछे और खलिया टॉप जहां हम अभी हैं। अभी तो नहीं पर जाड़ों के सीज़न में जहां पर हम खड़े हैं वो पूरा एरिया बर्फ़ से ढका रहता है, रास्ता देखने को नहीं मिलता। और यहां की बोली है मुंशहरी की पहाड़ी बोली, यहाँ की स्थानीय भाषा। और दोस्तों यहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, मतलब कि आधे लोग यहाँ के किसान हैं।
आगे की जितनी भी शूटिंग है वो हेम ने की है। वो है उधर खलिया टॉप, वो देख दीपू चल रहा जहाँ पे दिख रहा उससे ऊपर टॉप में हम आए हैं बहुत नीचे से, दिख भी नहीं रहा जहाँ वो बादल लगे उससे भी नीचे से छोटे वाले बादल सामने वो हिमालय दिखता है, दिख नहीं रहा है मौसम खराब हुआ है ना। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, मुंशारी से खलिया टॉप की दूरी है 16 किलोमीटर, तो शायद नीचे से लेके ऊपर खलिया टॉप तक जीरो पॉइंट तक की दूरी होगी 12 किलोमीटर, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें, काफ़ी थक चुके हैं चलते चलते, अभी और ऊपर जाना है। वही कर रहा हूँ, देख रहा कुछ कुछ तो बारिश भी हुई है यहाँ, वो कीड़ा जड़ी मिल गई रहे इधर, कीड़ा जड़ी तो छोड़ कीड़ा भी नहीं मिला नीचे जाके। और बहन जी हंसी जाएगा ऐसे उठते, मैं थोड़ा सा देखूंगा उड़ के वहाँ चले ज्यादा तेज मारेगा तो थोड़ा जा सकता हूँ उसे, उन्हें मुश्किल फिर थी बोल बैठा हुआ। अरे ऐसे खींचना है यार, लग थी बोल आ गया चल, बड़ा हरामी हो बेटा। आप फोटो ले ले। तो दोस्तों मैं आपको मुंशारी तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, अगर आप हवाई जहाज से सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे करीबी हवाई अड्डा है यहाँ पंतनगर हवाई अड्डा, वहाँ से लगभग मुंशारी है 300 किलोमीटर, तो वहाँ से आप बस अथवा कार पकड़ के आसानी से पहुंच सकते हैं। और दूसरा सबसे आसान तरीका, ट्रेन से आ रहे हैं तो आप सीधा आ सकते हैं हल्द्वानी या काठगोदाम उतर सकते हैं, फिर काठगोदाम से दूरी है आपकी 277.8 किलोमीटर मुंशारी तक की, तो आप वहाँ तक ट्रेन में आ सकते हैं, फिर वहाँ से आप बस अथवा वही कार पकड़ सकते हैं जिससे आप आसानी से पहुँच जाएंगे। You can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. Tappa kha ke niche ho jayega seedhe. Football ki tarah niche jayega re. Wow, kya scene hai. वाह क्या सीन है, छोटा छोटा बच्चा पकड़ इसका गोदी लेना, रहने रहने उसको डिस्टर्ब मत कर, चिंगना डाल दे तेरी कान में। सितार रखा 11 मिनट निकलेगा उसका, वो फाइट करने आया दूसरी क्लैन से, वो बेटा एक और तैयार होगा भाई, दूसरी क्लैन से आया वो हत्या लेकर भाई, और जीतेगा तो ये देखो आप देख लड़ने। तो दोस्तों आपको फ्री में एक जानकारी और दे देता हूँ, मुंशारी में ठहरने के लिए काफ़ी होटल तो है, लॉज भी है, गेस्ट हाउस भी है, गर्मी के सीज़न में यहाँ होटल खचाखच भरे रहते हैं, इसलिए मौसम में वहाँ जाने के से पहले आपको बुकिंग करा लेनी चाहिए क्योंकि फिर वहाँ होटल नहीं मिलते हैं।
क्योंकि इस समय देश विदेश के पर्यटकों की भीड़ बहुत अधिक रहती है। यहाँ विदेशी पर्यटक यहाँ खासकर ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। काफ़ी चढ़ाई करने के बाद, काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद, हम खलिया टॉप पार करते हुए जीरो पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आपको दिखाते जीरो पॉइंट का नज़ारा। आप लोगों को हमारे अलावा जितने भी लोग दिख रहे हैं बाकी के, ये सब भीड़ चढ़ाने आए हैं। जो भीड़ दिख रही है दूर दूर तक, बकरियाँ, ये सब इन लोगों की है। ये लोग यहाँ चराने आते हैं। वी आर एट द टॉप। थोड़ा सा बचा है, दरअसल जो आप ये वीडियो देख रही है मैंने नहीं शूट की है क्योंकि मेरा मोबाइल हो चुका था फुल, स्टोरेज फुल, बैटरी लो, तो ये सब शूटिंग कर रहा है इसके बाद। हे जीतो, जीतो है। देखो बादल चल रहे हैं, फूल बहुत है इधर। वो छोटे हैं, हाँ फूल नहीं मेरी। लेट ऑफ कहाँ रह गया है भाई मेरे? खाली टॉप कौन सा हुआ? वो तो नीचे था। अच्छा हम जीरो पॉइंट जा रहे हैं, बट नज़ारा यही है खाली टॉप से। 8 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुँचे खलिया टॉप से ऊपर, थोड़ा ज़ीरो पॉइंट। ज़ीरो पॉइंट में कहते हैं शांति बहुत है, लमसम लमसम सभी जगह होते हैं, बट ये मुंशियारी का ज़ीरो पॉइंट है। यहाँ शांति बाई है, जिसने इसको बुलाया है ये आगे चल रहा है। जो तुम खुद देख सकते हो डाउन, वो तो ट्रेलर है, मूवी तो कम से कम 6-7 किलोमीटर पहले छूट गई। तो फ्रेंड लोग, आप जो नीचे देख सकते हैं वो कोहरा नहीं, वो बादल है। सुना होगा ना, बादलों पे बसा, बादलों पे भी बसा एक समा है, मैंने ऐसा कुछ कहीं पे सुना है। वो फूलों से खिलखिलाती पहाड़ियाँ, वो दूर आकाश में उड़ती चिड़ियाँ, वो पेड़ों के बीच से निकलती धूप की किरण, वो मेरे घर गांव आंगन, यादों की कसम, मन तो करता होगा ना आने का। तो आइए विजिट करिए खलिया टॉप। तो हमने यहाँ से अपनी की वापसी स्टार्ट मुनिशारी को, 2 बजे पहुँच गए थे हम ऊपर जीरो पॉइंट पर। इसके बाद हमें नीचे जाते जाते काफ़ी बारिश का सामना करना पड़ा और मैं फिसल के थोड़ा मेरे हाथ में भी लग गया था, तो मैं शूटिंग नहीं कर पाया इस वजह से। काफ़ी बारिश हो गई थी नीचे पहुँचते पहुँचते, और नीचे मुनिशारी पहुँचने तक हमारे टाइम हो गया था 5:30 बज गया था, अंधेरा हो गया था। तो फिर आगे की व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाया, मोबाइल में स्पेस नहीं था, बैटरी नहीं था, और काफ़ी बारिश भी हो रही थी, तो तब रिस्क नहीं लिया। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। जिन्होंने नहीं किया वो आराम से कर ले, और जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया।